इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मुंबई से सटे भिवंडी में मुंबई नासिक हाईवे पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। घटना 20 जनवरी की है। बताया जा रहा है कि एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की तेज रफ्तार बस ने चार लोगों को टक्कर मार दी और ये पूरी वारदात हाईवे पे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में जो दिख रहा है वो बेहद ही डरावना दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़क क्रॉस कर रहे चार लोगों को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने अपने पहिए के नीचे बुरी तरीके से कुचल दिया। बाइक दो सवार रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्हीं के बगल में एक शख्स अपनी बच्ची के साथ रोड क्रॉस करने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी तेज़ रफ्तार आ रही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने इन चारों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि छोटी बच्ची के सिर पर गंभीर चोटें आ गई और इन चारों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भिवंडी के पडघा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करके स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आए दिन मुंबई और आसपास के इलाकों में हाईवेज पे हो रहे इस तरीके के एक्सीडेंट बेहद ही डराने वाले हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार रोड सेफ्टी को मजबूत करने के लेकर दावे करती रहती है, लेकिन धरातल पे उसका असर होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।